नमस्कार, मैं सुरेंद्र शर्मा, CLI ट्रेनिंग, ETC आसनसोल ईस्टर्न रेलवे, आपका अपने वीडियो लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये मेरा पेंटोग्राफ और बेबी कंप्रेसर के ऊपर दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पेंटोग्राफ और बेबी कंप्रेसर के इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बताया था और उसके ट्रबलशूटिंग के बारे में भी बताया था। इस लेक्चर में मैं बीबी कंप्रेसर चलने के बाद हवा कहाँ कहाँ जाती है और पिंटो किस प्रकार से उठता है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और पिंटोग्राफ उठने में क्या कठिनाई आती है, उसका दोष निवारण, उसका ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर सुनने के बाद आपको पेंटोग्राफ से संबंधित जो भी कठिनाई आती है उसकी मदद मिलेगी। अब मैं अपने लेक्चर की शुरुआत में पेंटोग्राफ सर्किट के कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, यह ZCPA है। ZCPA बेबी कंप्रेसर का स्विच होता है जो ऑन होने के बाद 110 वोल्ट DC सप्लाई बेबी कंप्रेसर को देता है और बेबी कंप्रेसर चलता है। ये बेबी कंप्रेसर का ड्रेन कॉक है, ये सेफ्टी वाल्व है और ये नॉन रिटर्न वाल्व है। नॉन रिटर्न वाल्व लगाया गया है कि कोई भी हवा बेबी कंप्रेसर से RS की ओर जाएगी या पेंटो पाइपलाइन की ओर जाएगी, लेकिन इधर की हवा यानी पेंटो पाइपलाइन की हवा या बेबी कंप्रेसर ये RS प्रेशर की हवा बेबी कंप्रेसर की ओर नहीं जाएगी। ये देखिए, RS रिजर्वायर है, ये RL कॉक है, ये खुला रहना चाहिए, खुला रहेगा तभी हवा RS में जाएगी। ये देखिए गेज है, इसमें ड्राइवर RS प्रेशर के को देखते हैं। इसके बाद देखिए, हवा यहाँ पर नॉन रिटर्न वाल्व के पास आती है। नॉन रिटर्न वाल्व लगाया गया है कि जब बेबी कंप्रेसर से हम हवा बनाएं तो वो हवा MR की ओर ना जाए, क्योंकि बेबी कंप्रेसर से जो हवा बनती है उसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो MR को फिल कर सके। उसके बाद देखिए, ये R1 कॉक है, आर्म कॉक लगाया गया है कि यदि नॉन रिटर्न वाल्व ख़राब हो जाए तो हम जब R1 कॉक को आइसोलेट कर दें तो हवा यहीं तक आके रुक जाए, वो MR की ओर ना जाए। उसके बाद देखिए, नीचे ऑयल सेपरेटर है, ये अंडर फ्रेम में रहता है और इसका एक ड्रेन कॉक भी होता है। क्योंकि अंडर फ्रेम में होता है तो कभी कभी ध्यान ड्राइवर का नहीं जाता है और RS प्रेशर इसके ड्रेन कॉक के लीकेज के चलते ड्रेन कॉक से लीकेज के चलते नहीं बन पाता है, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए अगर RS प्रेशर नहीं बनता है तो। उसके बाद ये देखिए, QPDJ है, QPDJ रिले एनर्जाइज हो जाता है जब RS प्रेशर 5.5 kg बनता है तो एनर्जाइज हो जाता है और इसका इंटरलॉक MTDJ की शाखा पर बैठ जाता है। देखिए, RDJ DJ का रिजर्वायर है, ये DJ कंट्रोल बॉक्स है, इसमें EFDJ MTDJ रहता है और यहीं पर जब ड्राइवर लोको पायलट VLDJ बिना DJ को ऑन करते हैं तो ये एनर्जाइज होकर DJ क्लोज होता है। ये RDJ DJ कंट्रोल बॉक्स ST कंपार्टमेंट इनसाइड में रहता है, जहां हमारा MC कंट्रोल हैंडल है वहीं पर अंदर में ये रहता है। ये BB बॉक्स है, BB बॉक्स ये पेंटो पाइपलाइन की हवा के रास्ते में लगाया गया है। इसका कारण ये है कि बीबी बॉक्स में जब हम ग्राउंडिंग करेंगे तो ग्राउंडिंग करने के समय JTPT ले आकर के इसमें 5 से 7 बजे घुमाते हैं, फिर इसमें हैंडल को जब ग्राउंडिंग के लिए ऊपर की ओर घुमाते हैं तो जब 5 से 7 बजे घुमाते हैं, देखिए उस समय क्या होता है, पेंटो पाइपलाइन की हवा निकल जाती है और फिर पेंटो पाइपलाइन में जाने की हवा का रास्ता भी बंद हो जाता है, जिसे किसी भी प्रकार से पेंटोग्राफ को नहीं उठाया जा सकता है। ये PT2 आइसोलेटिंग कॉक है, VPT2 है, ये थ्रॉटल वाल्व है, ये सर्वो मोटर है PT2 साइड का, ये PT1 का आइसोलेटिंग कॉक है, ये VPT1 है, ये थ्रॉटल वाल्व है, थ्रॉटल वाल्व ये हवा को 3 स्टेप में देता है और ये पेंटोग्राफ हमारा है, पेंटोग्राफ 3 स्टेप में उठता है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये किस तरह से बेबी कंप्रेसर चलता है और हवा कैसे बन करके कहाँ कहाँ जाती है। देखिए, ये ZCP है, ZCP को हम ऑन कर रहे हैं। देखिए, ZCP को ऑन कर दिए, ऑन करने के बाद देखिए हवा आती है, ये सप्लाई आती है, सॉरी
सप्लाई आ करके देखिए बेबी कंप्रेसर चल गया। यहाँ आप ब्लू रंग से देखेंगे आर एस प्रेशर जो बनता है कैसे बनता है, देखिए ब्लू रंग से निकले, देखिए ये हवा यहाँ आ गई, फिर ये हवा हवा आ करके ऐसे देखिए ये आर एस को फिलअप कर दी, देखिए ये हवा जा रही है गेज में, गेज में जा कर के हवा ऑपरेट कर दी, देखिए 7 kg सुपर प्रेशर आ गया। अब हम देखेंगे हवा इधर में कहाँ आती है, देखिए ये हवा आ करके देखिए इधर आएगी, देखिए नॉन रिटर्न वाल्व की ओर आ रही है, जैसा कि हम आपको बताए थे नॉन रिटर्न वाल्व हवा को यहाँ पर रोक दिया और इधर नहीं जाने दिया, देखिए ये हवा इधर आ करके फिर डीजे ऑयल सेपरेटर में आई, फिर ये कीपी डीजे में आ करके एनर्जाइज की, कीपी डीजे का इंटरलॉक बैठ गया एम टी डीजे की शाखा में, फिर आर डीजे है आर डीजे को फिलअप किया, फिर ये डीजे कंट्रोल बॉक्स में देखिए हवा भर गई। इसके बाद ये हवा आगे आती है आ करके फिर वीवी बॉक्स को पार करके जब ये पिन टू आइसोलेटिंग को नॉर्मल रहता है, देखिए वीपी टू और इधर में देखिए कहाँ तक आ गए पिन टू में पार करके वीपी टी वन के पास आ गए। अब देखिए अब हम जेड पी टी से वीपी टी वाल्व को एनर्जाइज करेंगे तो थर्टल वाल्व में हवा जाएगी, देखिए जेड पी टी को अपडेट कर दिए एक नंबर में दे दी, देखिए सप्लाई आ गई आकर के वी पी टी वाल्व पर सप्लाई गई, वी पी टी वाल्व एनर्जाइज हो गया, एनर्जाइज हो करके देखिए थ्रोटल वाल्व में हवा चली आई। थ्रोटल वाल्व में हवा आने के बाद थ्रोटल वाल्व क्या करता है, ये 3 स्टेप में हवा सर्वो मोटर में डालता है। यहाँ हमने क्या किया है कि 3 स्टेप की हवा को 3 कलर में हमने दिखाया, 3 रंगों में, देखिए 3 रंगों में देखिए पहला दूसरा देखिए तीसरा ले आ रहे हैं तीसरा स्टेप में हाँ आ गए, देखिए पेंटू हमारा देखिए यहाँ पर उठेगा 3 स्टेप में, पेंटू उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया 3 स्टेप में पेंटू उठ गया, देखिए अब हमारा 3 मिनट में पेंटू उठ गया। तो नॉर्मल बात हो गई कि किस तरह से पेंटोग्राफ हमारा 3 स्टेप में उठा। अब देखिए समस्या कब आती है, जैसा कि हम पेंटोग्राफ उठने के बारे में बताया थे कि इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग के बारे में हम बता चुके हैं कि अगर बेबी कंप्रेसर नहीं चलता है तो क्या करना है या कोई फ्यूज मेल्ट करता है तो क्या करना है। अभी हमारा यहाँ पर बेबी कंप्रेसर चल रहा है, तो बेबी कंप्रेसर चल रहा है तो हवा देखिए आर एस में जा रही, तो हो सकता है आर एल कॉक पार्सली ऑपरेट हो गया है, ठीक से ओपन नहीं है, तो आर एस में हवा नहीं जा सकती है या जाएगी भी तो कम जाएगी, और ये हमारा ये भी हो सकता है गेज खराब है। चलिए इधर आते हैं, अब यहाँ पर नॉन रिटर्न वाल्व अगर खराब हो गया तब तो ड्राइवर को पता नहीं चलता है क्या करें, ये आर एस प्रेशर बढ़ेगा नहीं, तब ड्राइवर को करना चाहिए कि वो जाएं और आर वन कॉक को आइसोलेट कर देंगे। जब लोको पायलट आर वन कॉक को आइसोलेट कर देंगे तो ये हवा यहीं तक आएगी, इसके बाद ये हवा आगे नहीं बढ़ेगी, और जब हवा आ जाएगी पेंटो उठ जाएगा डीजे बंद हो जाएगा और मेन कंप्रेसर चलेगा, और जब प्रेशर 8 kg आ जाएगा तो ये लोको पायलट की ड्यूटी बनती है कि वो आर वन कॉक को नॉर्मल कर दें और बेबी कंप्रेसर को बंद कर दें, क्योंकि बेबी कंप्रेसर बराबर नहीं चला सकते हैं, और जब MR से प्रेशर आ ही गया 8 kg तो अब इसको जब नॉर्मल कर देंगे तो सारा चार्जिंग इसी से होने लगेगा, तो इस बात को लोको पायलट को नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए और क्या हो सकता है, डीजे ऑयल सेपरेटर चूँकि ये नीचे में रहता है अंडर फ्रेम में रहता है तो कभी कभी ध्यान नहीं जाता है, तो इसके ड्रेन कॉक को देखना बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ से एयर लीकेज हो सकता है तो जा कर के ड्रेन कॉक बंद करना चाहिए, और फिर पीपी डीजे से भी लीकेज हो सकता है या आर डीजे का ड्रेन कॉक से लीकेज होगा तो ये ड्रेन कॉक को बंद कर देना चाहिए, और डीजे कंट्रोल बॉक्स में भी कभी कभी लीकेज हो जाता है तो इसको मेंटेनेंस आकर के ठीक करते हैं। अब देखिए बीवी बॉक्स से भी एयर लीकेज का पता नहीं चलेगा, लेकिन हो भी सकता है कि पता चले, लेकिन ये हो सकता है कि जो पैसेज है पैसेज में कोई चॉक हो गया कोई जिसके कारण हवा आगे नहीं बढ़ रही है, तो लोको पायलट को चाहिए कि जेट पी टी लेकर के आए
और जैसे ग्राउंडिंग करते हैं 5 से 7 बजे इसको ले आएँ, फिर HOM हैंडल को 2-3 बार ऑपरेट करें। तो अगर कहीं समस्या इसमें होगी बीवी बॉक्स साइड में, तो यह हवा का रास्ता बन जाएगा और हवा आगे बढ़ेगी। और देखिए ये पेंट आइसोलेटिंग कॉक है, यहाँ से लीकेज हो सकता है यहाँ से भी, तो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इसका हवा तो VPT वाल्व तक आती है, तो VPT वाल्व को भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ से तो लीकेज नहीं है। इसके बाद थ्रॉटल वाल्व है। अब देखिए अगर हवा आ गई और फिर भी पिंटो नहीं उठ रहा है, और हवा हो सकता है कि मान लीजिए कि गेज में पता नहीं चल रहा है, तो एक काम करेंगे, ZPT को तो जीरो कर देना चाहिए। जब RS प्रेशर नहीं बने तो ZPT को प्रथम अवसर में जीरो कर दीजिए। और देखिए अगर गेज खराब है तब क्या करेंगे, बेबी कंप्रेसर को 10 से 12 मिनट चलाएंगे और चला करके पेंटो को सीधे उठाएंगे। अगर पेंटो उठ गया इसका मतलब कि मेरा RS गेज खराब है। कोई बात नहीं है, RS गेज खराब है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेंटो उठाइए, DJ बंद कीजिए और फिर नॉर्मल काम कीजिए, बेबी कंप्रेसर को बंद कर दीजिए। और पेंटो अगर नहीं उठता है तो VPT वाल्व थ्रॉटल वाल्व को थोड़ा सा जेंटली लॉक कीजिए। लॉक करने से हो सकता है अगर किसी कारण से चोक हो गया है तो ये पिंटो को उठा देगा। और BPMS भी दबा रहा था, इलेक्ट्रिकल सब शूटिंग ट्रबल शूटिंग में हम बताए थे, तो BPMS भी रिलीज कंडीशन में रहना चाहिए, उसके चलते भी ये पिंटो नहीं उठेगा। तो इस तरह से हम देखें कि अगर पिंटो नहीं उठता है और RS प्रेशर नहीं बनता है तो हम क्या क्या दोष निवारण करेंगे। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर सुनने के बाद और एयर के पाथ को देखने के बाद आप RS प्रेशर का ट्रबल शूटिंग कर पाएंगे। मैं एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मेरा जो भी लेक्चर है वो सजेस्टिव है, सुझावात्मक है, इसको आप एज ए डॉक्यूमेंट कहीं प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हाँ अगर लाइन में ट्रबल है उस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा ये कोशिश की गई है कि आप इस तरह से इसका ट्रबल शूटिंग करें। और जो भी बातें मैं बताया हूँ, तो पेंटोग्राफ नहीं उठता है, RS प्रेशर बिल्डअप नहीं होता है, उसका मैं नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हूँ। देखिए देखिए ये हिंदी में है, ये अंग्रेजी में है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसकी भी मदद ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे बड़ी खुशी होगी कि एक भी लोग यदि फेल्योर आप बचा पाते हैं तो मेरा ये कार्य, मेरा ये प्रयास सफल होगा। धन्यवाद।